सो हेलो एवरीवन, आई थिंक मेरी आवाज सबको ऑडिबल है। प्लीज कमेंट इन द चैट विंडो अगर मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है तो। हाय ब्लैक हैट पंजाबी, हेलो हेलो एवरीवन। सो काफी टाइम बाद मैं आई हूँ लाइव। एंड सो लाइक आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो वेब सॉकेट्स होने वाला है। वेब सॉकेट्स में हम क्या करते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं। सो हेलो एवरीवन, फटाफट से आ जाइए सब। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि वेब सॉकेट्स किस तरीके से वर्क करता है। मीन्स अगर हम कोई भी हैकिंग कर रहे हैं या कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं, जैसे सपोज रिक्वेस्ट आ रही है, रिस्पॉन्स आ रहा है, सो ये सारी की सारी चीज़ें किस तरीके से हम एनालाइज कर सकते हैं। क्या जब भी हम कोई भी नेटवर्क में हैं तो किस तरीके से हम उस पर वर्क कर सकते हैं, कौन से अटैक्स लग सकते हैं। हैव यू एवर थॉट कि जब भी हम कोई लाइव चैट कर रहे हैं तो वो भी हैक हो सकती है, कभी किसी ने सोचा है ये। सो आज हम वही वीडियो देखेंगे एंड वही चीज आज हम समझेंगे। सो आई थिंक आप लोग सब साथ में हैं जिससे कि हम इसको बहुत अच्छे ढंग से समझ सके। ऑलराइट, सो प्लीज फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि सबको आवाज क्लियर आ रही है एंड सब रेडी हैं सेशन के लिए। क्विकली क्विकली ड्रॉप मैसेजेस इन द चैट विंडो। आज का सेशन बहुत यूनिक है और आज का सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली हम ऐसे पॉइंट्स को छोड़ देते हैं जैसे वेब सॉकेट से होता है, या हम जैसे कभी भी हम समझते हैं कि किस तरीके से रिक्वेस्ट आ जा रही है, रिस्पॉन्स आ रहा है। सो हम इन चीज़ों को एनालाइज नहीं कर पाते, इन चीज़ों को हम सोच नहीं पाते, ठीक है ना। सो आज हम वही चीज़ वही टॉपिक अपना इधर समझेंगे, किस तरीके से HTTPS HTTP ये वर्क करते हैं। फटाफट फटाफट प्लीज ड्रॉप इन द चैट विंडो। ऑलराइट, सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। जिसको भी साइबर सिक्योरिटी का कोर्स करना है या जिसको भी जो डाउट है, प्लीज आपको ऊपर लिंक दे रखा है, आपको पर्टिकुलरली फॉर्म दे रखा है, तो आप उसको फिलअप कर सकते हैं। वाओ सिद्धेश, आपने एक्सेसेस फाइंड किया है नेटफ्लिक्स में, अमेजिंग, वेरी गुड। सो आज हम पढ़ते हैं, काफी टाइम बाद मैं आपसे मिली हूँ आज, सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो अब हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा इंटरेक्शन कर लेंगे। ओके, सो आज का टॉपिक है हमारा वेब सॉकेट्स। एंड वेब सॉकेट्स होता क्या है और वो किस तरीके से डिफरेंट होता है HTTP से, आज हम वो देखेंगे। और आज के सेशन में हम वो प्रैक्टिकल देखेंगे जिसमें हमें ये समझ में आएगा कि लाइव चैट पे भी हैकिंग हो सकती है, लाइव चैट भी पे भी अटैक हो सकता है, किस तरीके से डेटा उधर से रिवील हो सकता है। सो आज हम वो चीज समझेंगे। सो सबसे पहले हम समझते हैं इस चीज को, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि ये चीज क्या होती है और किस तरीके से वर्क करती है। HTTP एंड वेब सॉकेट्स बोथ आर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। ओके, सो आपने अगर नेटवर्किंग पढ़ रखा है तो आपको प्रोटोकॉल्स का आइडिया होगा। हमेशा मैं अपने सेशन में पहले थ्योरी बताती हूँ एंड देन आई विल टेक टू द प्रैक्टिकल। और जब भी हम प्रैक्टिकल करते हैं डमी लैब्स पे, तो मैं आपको बताती हूँ कि इसको लाइव साइट्स पे किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। सो मेरे साथ बने रहिए और ध्यान से समझिएगा हर चीज, जिससे कि आपको बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो जाए कि ये क्या हो रहा है। ऑलराइट, सो यूज्ड इन क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन। तो जब भी हम कोई भी रिक्वेस्ट भेजते हैं, हमेशा ध्यान रखें, जब भी हम कोई भी रिक्वेस्ट भेजते हैं तो हमेशा क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन रहता है। क्लाइंट से रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पे, सर्वर से रिस्पॉन्स आता है क्लाइंट के पास। HTTP प्रोटोकॉल, HTTP इज यूनिडायरेक्शनल, वेयर द क्लाइंट सेंड्स द रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, HTTP यूनिडायरेक्शनल होता है, जहां पे क्लाइंट सेंड करता है अपनी रिक्वेस्ट और सर्वर सेंड करता है अपना रिस्पॉन्स। सो यहां तक सबको क्लियर है आई गेस। अब इसमें हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर कोई रिक्वेस्ट गई सर्वर पे एंड वो जा रही है HTTP या HTTPS के फॉर्म में, और रिसीव कर रही है रिक्वेस्ट सर्वर रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट, यहां तक लेकर आ रही है। सो इस केस में जब भी हम कोई भी वर्क करते हैं, मैं आपको एक चीज इसमें जरूर बताना चाहूंगी,
हमारे पास हैंडशेक होता है, हम पेंट को एक बार ओपन कर लेते हैं जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। प्लीज ध्यान से देखते चलिएगा, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा क्लाइंट है, ये हमारा क्लाइंट है, और इसी तरीके से यहाँ पे हमारा सर्वर है। यहाँ पे हमारा सर्वर है। अब जब भी क्लाइंट से हमारी रिक्वेस्ट जाएगी, ये बहुत एक कॉमन चीज है कि क्लाइंट से रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है, सर्वर पे, ये एक बहुत ही कॉमन सी चीज है जो कि हर किसी को पता है, ठीक है ना। और इसका नाम हम दे देते हैं कि ये हमारी, लेट सपोज, HTTP रिक्वेस्ट है, HTTP और HTTPS रिक्वेस्ट है, ठीक है। फिर इसी तरीके से हमारे पास, हम कलर रेड ले लेते हैं। इसी तरीके से जब हमारे रिस्पॉन्स आता है, सो वो किस फॉर्मेशन में आता है, वो भी जो क्लाइंट ने भेजा है डेटा, उसी के बिहाफ पे वो हमें रिस्पॉन्स भी शो करता है। अब इसको हम एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास HTTP और HTTPS रिस्पॉन्स। सो आई थिंक यहाँ तक सब चीज क्लियर है। अब यही चीज अगर मल्टीपल टाइम्स हो रही है तो इस चीज में किस तरीके से हम हैंडशेक कहते हैं। अगर आपको नेटवर्किंग का आइडिया है तो आप समझ सकते हैं कि ये चीज किस तरीके से वर्क करती है। सो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल रिक्वेस्ट आएंगी एंड मल्टीपल रिस्पॉन्स आएंगे। अब ऑलराइट, सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उन्होंने बता रखा है कि HTTPS जो होता है, मींस HTTP जो होता है वो स्टेटलेस प्रोटोकॉल होता है, और वो TCP, टॉप ऑफ द TCP कनेक्शंस पे वर्क करता है, ठीक है ना। और जब भी डेटा फ्लो होता है तो वो थ्री वे हैंडशेक यूज करता है। नेटवर्किंग अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि थ्री वे हैंडशेक क्या होता है। जब भी रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स में हमारा डेटा फ्लो होता है तो वहां पे हम हैंडशेक बताते हैं कि थ्री वे हैंडशेक हुआ है, मीन्स रिट्रांसमिट हुआ है लॉस्ट पैकेट। अब आप इस एग्जाम्पल को समझ सकते हैं, ये एग्जाम्पल क्या बताना चाह रहा है। यहाँ पे हमारे पास जो अभी मैंने आपको बताया, वही चीज यहाँ पे बताई गई है कि किस तरीके से रिक्वेस्ट जा रही है, किस तरीके से रिस्पॉन्स जा रहा है। और अगर कोई बीच में कनेक्शन टर्मिनेट हो जाता है, मीन्स कनेक्शन किसी वजह से हॉल्ट हो जाता है, सो उसको हम कनेक्शन टर्मिनेटेड बोलेंगे। सो प्लीज अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो प्लीज ड्रॉप करते चलिएगा। ऑलराइट, सो थोड़ा सा मैं अपना पिच हाई कर लेती हूँ जिससे कि आपको बैकग्राउंड नॉइज नहीं आए। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखिए, अब सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि हमारा वेब सॉकेट क्या होता है। तो वेब सॉकेट हमारा बाई डायरेक्शनल होता है, फुल ड्यूप्लेक्स प्रोटोकॉल दैट इज यूज इन द सेम सिनेरियो ऑफ क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन, ठीक है ना। सो क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन के बिहाफ पे वो वर्क करता है। किस तरीके से क्लाइंट देता है, तो मतलब ओवरऑल जो हमारा प्रोसेस है पूरा का पूरा, वो थ्री वे हैंडशेक पे ही डिपेंड करता है, थ्री वे हैंडशेक पे ही वर्क करता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कनेक्शन बन भी सकता है, वरना कनेक्शन लॉस्ट भी हो सकता है। सो इस चीज को हम, और अगर हमारा कनेक्शन बन रहा है, हमारे लॉस्ट पैकेट्स भी फाइंड आउट हो रहे हैं, वो रिक्वेस्ट भी ले रहे हैं, रिस्पॉन्स भी ले रहे हैं, तो वो पूरा का पूरा जोन हमारा थ्री वे हैंडशेक कहलाता है। आई थिंक अब वॉइस सबकी क्लियर है, सबको क्लियर है। सो अब यहाँ पे देखिएगा, वेब सॉकेट्स में बेसिकली क्या है, वेब सॉकेट्स जब भी हम देखेंगे, सो यहाँ पे हमारे पास क्लाइंट सर्वर इंटरेक्शन रहेगा, मेड द हैंड शेक एंड डिसाइड टू क्रिएट अ न्यू कनेक्शन, एंड दिस कनेक्शन विल कीप अलाइव अंटिल टर्मिनेटेड बाय एनी ऑफ देम।
When the connection is established and alive, the communication takes place using the same connection channel. So basically क्या होता है कि कहने की बात बहुत सिंपल सी है कि जब भी हमारा कोई भी रिक्वेस्ट जा रहा है, रिस्पॉन्स जा रहा है, वो पूरा एक जोन में जाता है. बट अगर उसको हम और थोड़े से प्रोटोटाइप्स और प्रोटोकॉल्स ये सब चीज लगा के बताएंगे, तो हम इस तरीके से बोलेंगे कि कनेक्शन सेम होता है, डेटा जो फ्लो हो रहा है वो कहीं से मैनिपुलेट नहीं हो रहा है, वो डायरेक्ट वापस आ रहा है सर्वर से हमारे पास, क्लाइंट के पास. सो ये पूरा का पूरा प्रोसेस वेब सॉकेट के अंदर काउंट होता है. और वेब सॉकेट हमेशा बाई डायरेक्शनली वर्क करता है. मीन्स किस तरीके से क्लाइंट और सर्वर में कम्युनिकेशन हो रहा है, उस चीज पे हमारा वेब सॉकेट वर्क करता है. सो आई थिंक यहाँ तक सब चीज क्लियर है सबको. अब हम इसमें आगे चलते हैं. अब यहाँ पे आगे अगर हम देखेंगे तो हम पोस्टवर्गो की लैब खोलेंगे, जिसमें हम वेब सॉकेट्स के बारे में समझेंगे कि वेब सॉकेट्स क्या होता है, किस तरीके से वो वर्क करता है. ओके, सो उससे पहले एक बार हम देख लेते हैं किसी का अगर कोई डाउट है इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, तो प्लीज मुझे फटाफट से बताइए, अदरवाइज वील स्विच टू प्रैक्टिकल. ओके, सो हम प्रैक्टिकल को समझेंगे. पहले आप एक बार बता दीजिए अगर इधर किसी को कोई डाउट है तो. ऑलराइट, मैं पहले कमेंट रीड कर लेती हूँ एंड देन उसके बाद हम आगे चलेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे. ओके, सो देविल बोल रहे हैं. ऑलराइट, वो आंसर दे रहे हैं, नो प्रॉब्लम. क्रिप्टो पूछ रहे हैं कि आप कौन सा बग करवा रहे हैं. सो बेसिकली मैं जो आपको बग करा रही हूँ, ये स्पेसिफिकली कोई नेम्ड बग नहीं कहलाता है, ये एक वेब सॉकेट मैनिपुलेशन है जिसके बारे में आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वेब सॉकेट्स को मैनिपुलेट किया जाता है, किस तरीके से हम उसमें भी एक्सेसेस यूज कर सकते हैं या एक्सेसेस के पेलोड्स लगा के एक्सेसेस फाइंड आउट करा सकते हैं. ठीक है ना. सो ये पर्टिकुलरली कोई ऐसा नेम्ड बग नहीं है कि जिसको हमने बोल दिया एक्सेसेस हो रहा है, या हमने बोल दिया क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हो रहा है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एक्सेसेस एक ही बात होती है, एसक्यूएल इंजेक्शन हो रहा है, ऐसा कोई भी स्पेसिफिक ये बग नहीं है. ये एक टॉपिक है, जब भी हम कोई क्लाइंट सर्वर इंटरेक्शन करते हैं, थ्री वे हैंडशेक करते हैं, या क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो जब भी हमारा रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स होता है, तो ये बहुत सिंपल सा बोलने की बात है कि रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स हो रहा है, मीन्स यहाँ से रिक्वेस्ट जा रही है, वहां से रिस्पॉन्स आ रहा है, पर उसके बीच में क्या क्या चीजें हो रही है और वो कितनी डेंजरस हो सकती है, उस चीज के बारे में आज बात होगी. सो होपफुली यहाँ तक सबको क्लियर है. ऑलराइट, सो रीना बोल रही है कि मैम थोड़ा सा रिपीट करो प्लीज. ऑलराइट, सो आई एम रिपीटिंग हियर. सो बेसिकली वेब सॉकेट्स क्या होता है, वेब सॉकेट्स एक तरीके से सिर्फ एक कम्युनिकेशन कहलाता है. ठीक है ना. सो कम्युनिकेशन क्या है, क्लाइंट और सर्वर के बीच का कम्युनिकेशन. मीन्स किस तरीके से क्लाइंट सर्वर से इंटरैक्ट करता है, किस तरीके से क्लाइंट से रिक्वेस्ट जो जाती है वो सर्वर रीड करता है एंड उसके बिहाफ पे हमें रिस्पॉन्स देता है. सो उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे. और जब हम बात करते हैं क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन की, तो वहां पे हमारे पास एक चीज आती है, वेब सॉकेट. वेब सॉकेट होता है बाई डायरेक्शनल. बाई डायरेक्शनल मतलब वो दोनों तरफ बात करता है, तो दोनों तरफ इंटरेक्शन रखता है. ऑलराइट, सो आगे चलते हैं. आई थिंक यहां तक सबको क्लियर है. अगर किसी को कोई भी डाउट है प्लीज ड्रॉप इन द चैट विंडो. एंड अगर किसी को साइबर सिक्योरिटी कोर्स से रिलेटेड कोई इश्यू है, या आपको ज्वाइन करना है, या उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लेनी है, सो ऊपर मैंने आपको पिन कर रखा है फॉर्म, आप फटाफट से देखिए एंड उसको फिलअप कर दीजिए. ऑल राइट, या हेलो हेलो व्हाइट हैट, आज लेट आए हो. कोडेक्स भी आ गए हैं. हैकर ब्लॉग आर्मी, लव फ्रॉम पाकिस्तान. वाओ,
थैंक यू। सो अभी हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं, प्रैक्टिकल समझते हैं कि किस तरीके से हम इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं, ठीक है ना। सो इधर स्पेसिफिक कोई भी चीज मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, जब भी कोई भी वेबसाइट आप टेस्ट करते हैं तो सिर्फ आप XSS, SQL, कॉक्स जैसी वल्नरेबिलिटीज ही नहीं देखें, अगर वहां पे लाइव चैट का ऑप्शन दे रखा है तो आप उस चीज को भी ध्यान से देखें कि वहां पे भी कुछ वल्नरेबिलिटी हो सकती है। सो उसी चीज को आज हम समझते हैं कि वो किस तरीके से होती है। सो सब रेडी हैं प्रैक्टिकल के लिए, प्रैक्टिकल पे मूव करें, फटाफट से बताइए। और बेसिकली थ्री वे हैंडशेक क्या होता है वो मैं भी आपको लास्ट में बता दूंगी एक बार, पर इससे पहले बता दीजिए कि फटाफट से ये चीज क्लियर है तो हम आगे प्रैक्टिकल पे चलें क्विकली। सो हम एज यूजुअल अपना फायरफॉक्स ओपन करेंगे, सबसे पहले सीएमडी में जाएंगे, सीएमडी में हम अपना आईपी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे क्या है। सो हमारा आईपी एड्रेस इस तरीके से है, ऑलराइट। हम अपना पोर्टस्विगो लैब खोलेंगे, पोर्टस्विगो लैब इतनी बड़ी है और इतनी अच्छी है कि आप उसकी कितनी भी प्रैक्टिस कर ले वो कभी खत्म ही नहीं होगी, मींस होती है नो इश्यू, बट अगर आप जितना ज्यादा उसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। प्रॉक्सी प्रॉक्सी यूज कर सकते हैं आप, लेकिन मैं मैनुअली हमेशा करती हूं तो मैं वही करूंगी। प्रॉक्सी यूज करेंगे, प्रॉक्सी में हमारे पास आई गेस गलत लग रहा है, सो हम अभी पहले नो प्रॉक्सी कर देते हैं एंड ओके कर देते हैं, इसीलिए हमारा पेज नहीं खुला क्योंकि हमने उसमें प्रॉक्सी लगा रखी थी। सो और लैब्स पे जाएंगे, हम वेब सॉकेट मैनिपुलेशन पे जाएंगे, अब आप इसमें देखें कि ये किस तरीके से वल्नरेबिलिटी वर्क करती है, पहले हम उस चीज को समझ लेते हैं। सो जब भी आप कोई भी प्रैक्टिकल लैब करते हैं, ऑब्वियसली ये डमी लैब है तो इस पे अगर जो लिख रखा है कि ये वल्नरेबिलिटी इधर पाई जाएगी तो ऑब्वियसली वो वहां पे वल्नरेबिलिटी होगी, ठीक है ना। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर ये वल्नरेबिलिटी है और ये वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है सो ये फाइंड आउट कैसे करें। सो हमेशा मेरी वीडियोस में आपको यही मिलेगा कि लैब में जो हम वल्नरेबिलिटी सॉल्व कर रहे हैं या फाइंड आउट कर रहे हैं उसके बिहाफ पे हम किस तरीके से रियल साइट पे बग फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, रियल साइट पे हम किस तरीके से बग फाइंड आउट करते हैं हम वो देखेंगे। सो सबसे पहले हम समझते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है। This online shop has a live chat feature implementing using WebSockets. So यहाँ पे क्या है, एक साइट है जिसपे लाइव चैट का ऑप्शन अवेलेबल है। आप जब भी किसी भी साइट पे जाएंगे या किसी भी साइट की टेस्टिंग करेंगे तो हमेशा ध्यान रखें कि वहां पे अगर लाइव चैट का ऑप्शन अवेलेबल है तो हम किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वहां पे कोई बग है या नहीं है। ऑलराइट, सो आई थिंक यहाँ तक सबको सब चीज क्लियर है। Chat messages that you submit are viewed by the support agent in real time. To solve the lab, use WebSocket message to trigger an alert pop-up in the support agent browser. All right. So, यहाँ पे हमें बताया गया है कि कुछ alert tag जैसा आपके पास आएगा. So, हम access करते हैं अपनी lab को. हम साथ के साथ अपना verb suit भी on कर लेते हैं, community edition verb suit का. आई थिंक किसी को बैकग्राउंड नॉइज नहीं आ रही है, सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है, प्लीज बता दीजिए फटाफट से क्विकली क्विकली। ऑलराइट, सो यहाँ पे भी हम अपना प्रॉक्सी पे जाएंगे, प्रॉक्सी सेटिंग्स हैं, वैसे हम डिफॉल्ट पोर्ट्स ले सकते हैं, डिफॉल्ट आईपी ले सकते हैं, मीन्स लोकल होस्ट पे इसको वर्क करा सकते हैं। बट वॉट आई वॉन्ट इज कि हम अपनी मैनुअल आई पी लें, आप कैसे भी कर सकते हैं इसलिए मैंने बताया है आपको।
ऑल राइट, सो ये हमारे पास बुक खुली हुई है, सो ये हमारे पास वेबसाइट ओपन हुई है. सो सबसे पहले जब भी आपके पास वेबसाइट आएगा, सबसे पहले मोटिव ये रहना चाहिए कि ये किस तरीके से वर्क कर रही है, ठीक है ना. कैसे हम फाइंड आउट करें कि यहाँ पे कोई बग अवेलेबल है या नहीं, यहाँ पे कोई बग होगा या नहीं होगा, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. सो अभी हमारे पास जो टॉपिक है वो है मैन्युपुलेटिंग वेब सॉकेट मैसेजेस टू एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटीज, ठीक है ना. सो ये हमारे पास ऐसी चीज आई है. अब इसमें हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास होम भी है ना. हम अगर एक एक ऑप्शन को ओपन करना चाहेंगे तो हमारे पास वो एक एक ऑप्शंस भी ओपन होंगे, ठीक है. और साथ ही साथ यहाँ पे हमको अकाउंट्स भी दे रखा है कि अगर आपको अपना अकाउंट लॉगिन करना है तो आप लॉगिन भी कर सकते हैं, ठीक है ना. सो ये सारे फेजेस हमें उन्होंने बता रखे हैं कि ये किस तरीके से वर्क करते हैं. पर आज का जो टॉपिक है हमारा वो लाइव चैट को एक्सप्लॉइट करने का है. सो हम लाइव चैट को एक्सप्लॉइट किस तरीके से कर सकते हैं वो आज हम देखेंगे. सो पहले हम इसका प्रॉक्सी सेट कर लेते हैं. प्रॉक्सी सेट करने के बाद एक बार रीलोड कर लो एंड चेक कर लो वर्क सूट में कि वर्क हो रहा है या नहीं. या इट्स वर्किंग, देखिए हमारे सामने आ गया है. ऑलराइट, अब हम इसमें चलेंगे. हम यहाँ पे लिखेंगे हाय, जिस तरीके से हम लिखते हैं. सो वहां से हमारे पास जो चैट में रिटर्न होगी होगा मैसेजेस, वो यहाँ पे गिवन है हमको. अगर हम इसमें और कुछ भी लिखते हैं, हेलो वर्ल्ड, और सेंड करते हैं, तो वो उसका भी हमको रिप्लाई देंगे प्रॉपर. सो अब हम क्या करेंगे, हम अपना इंटरसेप्ट को ऑन करेंगे. हम इंटरसेप्ट को ऑन करेंगे, यहाँ पे हाय लिख के सेंड करेंगे. सो आप देख सकते हैं कि हमारा मैसेज यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है. हम इसको फॉरवर्ड करेंगे तो उसने हमें और डिटेलिंग उसकी प्रोवाइड करी कि यूजर कौन है, कंटेंट कौन है. फिर उसके बाद वो आगे का टाइप करेगा, ठीक है. जब वो आगे की चीज टाइप करेगा तो हम इसको दोबारा से फॉरवर्ड करेंगे. फॉरवर्ड करने के बाद आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वहां पे भी टाइपिंग आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास जो रिक्वेस्ट आई है वो भी चीज इन्होंने यहाँ पे हमें बता रखी है. हम इसको भी फॉरवर्ड करेंगे. जब हम फॉरवर्ड करेंगे और यहाँ पे हम कोई चीज लिखेंगे, मीन्स यहाँ पे हम अपनी सपोज हमने लिखा हाउ आर यू, हाउ आर यू लिखा एंड क्वेश्चन मार्क लगाया और इसको सेंड करेंगे. पर ध्यान रहे, सेंड होने के बाद वो कुछ आउटपुट ही नहीं देगा क्योंकि चैट ऑलरेडी एंड हो गई है, ठीक है ना. सो चैट एंड हो गई है, इसका मतलब हमको थोड़ा सा और स्पीडली करना पड़ेगा कि हमारी चैट्स डिस्कनेक्ट नहीं हो, ठीक है. सो जब चैट्स डिस्कनेक्ट नहीं होंगी तो उसके उस टाइम पे हमें क्या करना रहेगा, हम इंटरसेप्ट ऑफ करेंगे, रीलोड करेंगे पेज को दोबारा से, हाई लिख के सेंड करेंगे. सो जा रहा है मैसेज. अब हम इसको थोड़ा सा और स्पीड अप कर लेते हैं. इंटरसेप्ट ऑन किया, यहाँ पे हमने भेजा हाय एज यूजुअल. सो हमारे पास जो मैसेज आएगा वो वर्क सूट में रिफ्लेक्ट होगा एंड वर्क सूट में आएगा हाय. फिर उसको हम फॉरवर्ड करेंगे. सो यहाँ पे हमें वो कंटेंट बताएगा, यूजर्स एंड कंटेंट. सो यूजर्स में यू आ जाएगा, कंटेंट में हाय आ जाएगा जो हमने उसको सेंड किया है. देन उसके बाद हम उसको फॉरवर्ड करेंगे तो वहां पे वो हमें टाइपिंग शो करेगा, मींस जैसे सपोज कोई लिख रहा है तो हम उसको भी फॉरवर्ड करेंगे. सो वो फॉरवर्ड करेंगे, आगे भी फॉरवर्ड करेंगे. सो यहाँ पे अगेन चैट डिस्कनेक्टेड आ गया, अदरवाइज चैट डिस्कनेक्टेड आना नहीं चाहिए. सो इसको हम थोड़ा सा और फास्ट जोन में करते हैं, अदरवाइज हमारा हो नहीं पाएगा, ठीक है ना. क्योंकि बार बार अगर मैं एक्सप्लेन करूंगी तो वो टाइम उसमें कंज्यूम कर लेगा एंड फिर वो हो नहीं पाएगा. क्यों? क्योंकि ये लाइव चैट चल रही है, पीछे रोबोट्स हमें आंसर दे रहे हैं. सो इस वजह से अगर हम बीच में ब्रेक लगाते हैं या रुकते हैं तो उनको लगेगा कि चैट एंड हो गई है, तो वो क्विकली लिख देंगे डिस्कनेक्टेड, चैट हैज एंडेड. ओके, सो हम थोड़ा सा इसको फास्ट कर लेते हैं, एक बार रीलोड कर लेते हैं पेज को.
इंटरसेप्ट को ऑफ कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हाय, इंटरसेप्ट ऑन करेंगे, फायरफॉक्स पे जाएंगे। अब मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताऊंगी। हाय सेंड करेंगे, सेंड करते ही हम वर्कसूट पे आएंगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, फॉरवर्ड करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, टाइपिंग करेंगे एंड देन ये आएगा। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे हाउ आर यू, एक मैसेज और ड्रॉप करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा हाउ आर यू और यहाँ पे हम अपनी स्क्रिप्ट लगा देंगे। पर आप देखिए कितना फास्ट चीज हो रही है, उन्होंने डिस्कनेक्ट कर दिया, चैट हैज एंडेड, ठीक है ना। सो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अपनी एक स्क्रिप्ट लगा के रख लेते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखी है। इमेज टैग लगाना है src equals to 1, ऑन एरर इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में आ जाएगा हमारे पास अलर्ट, मीन्स हमें यहाँ पे अलर्ट मैसेज को शो करना है कि किस तरीके से अलर्ट मैसेज यहाँ पे वर्क करता है। ऑलराइट, प्लीज ड्रॉप द मैसेज, समझ में आ रहा है यहाँ तक? क्विकली ड्रॉप द मैसेजेस, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? रेना, व्हाइट हैट, क्विकली 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 ड्रॉप द मैसेज। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, सो प्लीज ध्यान से देखिएगा क्विकली, यहाँ तक यहाँ पे सब ध्यान रखिएगा, सब ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। यस, सो यहाँ पे देखिए हम फटाफट से करते हैं इसको एक बार बिना रुके, जिसे कि आपको समझ में आ जाए। इंटरसेप्ट को ऑन करेंगे, ये सेंड करेंगे, इंटरसेप्ट पे आए, हम फॉरवर्ड करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, फॉरवर्ड एंड देन फॉरवर्ड, यहाँ पे लिखेंगे हाउ आर यू एंड सेंड कर देंगे। सेंड करने के बाद हमारे पास यहाँ पे जो भी चीज आएगी हम वहां पे, वो चैट एंडेड फिर हो गया है। ओके, बट फास्ट हो रहा है। हम अपना ये पर्टिकुलर टैग जो हमने अपना पेलोड लिखा है इसको कॉपी करके रख लेंगे, जिससे ये इजी हो जाए हमारे लिए काम करने के लिए। ऑलराइट, सो अभी ये बहुत बार चैट एंडेड हो चुका है, तो एक बार हम होम पेज पे चल चलते हैं, फिर दोबारा से रिटर्न उस पे आ जाएंगे। हाँ अफजल, चेकलिस्ट मिल जाएगी आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं चेकलिस्ट के लिए आपको पहले ही बता देती हूँ, आप जब इधर जाएंगे तो आपको बहुत सारी चेकलिस्ट मिल सकती है। चेकलिस्ट किसकी चाहिए आपको, वो आप लिख लीजिए। हाँ थोड़ा फास्ट, राइट, मैं भी वही कर रही हूँ, थोड़ा सा फास्ट, अदरवाइज वो चैट एंड कर देता है बार बार। सो चेकलिस्ट फॉर एक्सेस, तो आपको चेकलिस्ट मिल जाएगी उसकी, ऐसे बहुत सारे अटैक मिल सकते हैं, बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं, ठीक है ना। आपको गूगल पे मिल जाएगी, गिटहब पे भी बहुत सारे पेलोड्स मिल जाएंगे आपको, जो बहुत इजी होंगे। अब फटाफट से पहले हम इसको लाइव चैट को कंप्लीट कर लेते हैं, अदरवाइज हमारा ये प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा। यहाँ पे हम हाई लिख रहे हैं और इंटरसेप्ट ऑन करके सेंड कर रहे हैं। सो हमारे पास फॉरवर्ड करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हाउ आर यू एंड सेंड करेंगे। सेंड करते ही हमारे पास ये चीज आएगी, तो हम यहाँ पे अपना पेलोड लगा देंगे एंड फॉरवर्ड करेंगे। फॉरवर्ड करने पे आप देखेंगे, अब देखिए मैंने कितनी जल्दी किया, तो यहाँ पे हमारा सेशन फिनिश हो गया, मीन्स यहाँ पे हमारा लैब सॉल्व हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लैब सॉल्व हो गया है। कैसे सॉल्व हुआ, अब अगर आप इसका प्रॉक्सी को ऑफ करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। प्रॉक्सी को ऑफ कीजिए एक बार और यहाँ पे आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपके एक्सेस का टोकन लगा है। देखिए यहाँ पे एक्सेस का टोकन है, क्योंकि हमने अलर्ट में 1 पास किया था, इसलिए यहाँ पे हमें 1 मिला है। ऑलराइट, सो आज आई थिंक आपको यहाँ तक सबको सब क्लियर हो गया होगा।
आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताइए, क्योंकि ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट थी कि किस तरीके से लाइव चैट पे, किस तरीके से लाइव चैट पे भी हम एक्सेसेस वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। और लाइव चैट पे जो भी वर्क होता है उसको हम वेब सॉकेट्स की तरह से बोलते हैं, क्योंकि वहां पे क्लाइंट सर्वर इंटरेक्शन चल रहा होता है कंटिन्यूअसली। सो आई थिंक यहाँ तक सब चीज सबको क्लियर है। होपफुली आप लोगों को ये सेशन समझ में आया हो और अच्छा लगा हो। प्लीज कमेंट इन द चैट विंडो, आज का सेशन आपको कैसा लगा। काफी टाइम बाद मैं आई हूँ आज सेशन लेने, आपसे रेगुलर रहूंगी आपके साथ। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगे सेशन, और प्लीज बताते चलें कि और नेक्स्ट टॉपिक्स आपको कौन कौन से पढ़ने हैं। वेब सॉकेट्स में हम एसक्यूएल मैप को रन नहीं कर सकते। कोडेक्स पूछते हैं 0 डे कैसे निकलते हैं, उस पे भी थोड़ा गाइडेंस है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में वही चीज लेकर आऊंगी 0 डे वल्नरेबिलिटीज के बारे में, ठीक है ना। रिपीट करना है क्या? अगर मुझे रिपीट करना है तो प्लीज वो चीज आप मुझे बता दें, और अगर यहाँ तक आ गया हो। माय हार्ट टचिंग बोल रहे हैं कि मैम आप में चेंजेस आ गए, क्या चेंजेस आए आपको, क्या अच्छा लगा। ओके हाँ, सो प्लीज डालते चलिएगा कि किस तरीके से आपको मींस और कौन कौन से टॉपिक्स लेने हैं। सो मैं वो आपको चीजें बताती चलूंगी। क्या आपको चेंजेस लग रहे हैं मेरे में जो आप ऐसे बोल रहे हैं? हाँ ऑलराइट, अभिजीत बोल रहे हैं प्लीज रिपीट। सो रिपीट मुझे क्या करना है, प्रैक्टिकल या देखिए मैं थोड़ा सा जल्दी से बता देती हूँ। वेब सॉकेट बेसिकली कम्युनिकेशन होता है, क्लाइंट सर्वर के बीच का कम्युनिकेशन, ये किस तरीके से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंड उसी चीज को आज हमने लाइव साइट में देखा है, सिर्फ ये समझते हुए कि अगर हम कोई लाइव साइट पे बैठे हैं तो वहां पे किस तरीके से हम बग्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर लाइव चैट है तो वहां पे एक्सेसेस अटैक लग सकता है, उसका पेलोड मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, आप भी इस चीज को लगा के देखें, आप यहाँ पे इसको लगा के देखें। आप एक बार वीडियो पूरी देखिएगा, मैंने अभी उसी प्रैक्टिकल को बताया। जैसे लाइव चैट में आपको चैटिंग के लिए हाई लिखना है, वहां से इंटरसेप्ट ऑन करना है, फॉरवर्ड फॉरवर्ड करोगे, उसके बाद आप कुछ लिखोगे ना, तो वहां पे आप अपनी ये स्क्रिप्ट लगा दें। आप इस वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देखिएगा, मैंने ये चीज पूरी क्लियरली आपको एक्सप्लेन कर रखी है। बहुत सिंपल है पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आज के टाइम पे इतनी वल्नरेबिलिटीज हैं और आज के टाइम पे हर वेबसाइट एक लाइव चैट ऑप्शन लेकर आया है, और वो लाइव चैट ऑप्शन बहुत डेंजरस हो सकता है अगर हमारे ये वेब सॉकेट मैनिपुलेशन आज आपने समझ लिया और किसी भी वेबसाइट पे ट्राई कर लिया जहाँ पे लाइव चैट का ऑप्शन है। अगर वहां पे ये चीज लग जाती है, ये अलर्ट लग जाता है, तो डेफिनेटली आप जीत जाएंगे और आप मान जाना कि आपने वेब सॉकेट मैनिपुलेशन कर लिया है। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर है। ओके सो होपफुली आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। मैं आपके सारे कमेंट्स के मींस आपने जो कमेंट्स रखे हैं उसमें जो भी आपने टॉपिक्स रखे हैं उसकी मैं लिस्ट बना लूंगी, एंड उस टॉपिक को मैं डेली के डेली लेकर आती रहूंगी। सो होपफुली आप लोगों को मेरा सेशन अच्छा लगा हो। प्लीज मोटिवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कमेंट्स, सो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दें कि आपको सेशन कैसा लगा। माय हार्ट टचिंग, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो मैंने नोट डाउन कर लिया है, एंड वो मैं नेक्स्ट सेशन में लेकर आऊंगी। सो डोंट वरी, आप ये नहीं सोचिएगा कि नहीं समझ में आया या रह गया, मैम ने बताया नहीं, वो मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर आ जाऊंगी। कल ही ले आऊंगी डीएनएस रिजॉल्वर, सब डोमेन इन्यूमरेशन क्या होता है, किस तरीके से ये चीजें वर्क करती हैं। ओके अलकजीम बोलते हैं कि पोस्ट फिगर और रियल वेबसाइट्स में बहुत डिफरेंस होता है, तो
तो फिर कैसे पोस्ट होगा? लैब इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपने लैब कोई सी भी लैब सॉल्व नहीं करी ना, तो आप लाइफ साइट पे वैसे भी कभी बग नहीं फाइंड आउट कर सकते। और जितने आप लैब्स में बग्स फाइंड आउट करेंगे, जितना आपका माइंड ओपन होगा, जितना माइंड ओपन होगा उतना ज्यादा आप अटैक्स को समझेंगे। और फिर लाइफ साइट पे ट्राई करके देखिए, अटैक लगेगा। आज वाला जो मैंने अटैक करवाया है, वो भी अगर आप करके देखेंगे तो भी आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अफजल, थैंक यू सो मच। हैकर ब्लॉक के सेशन हमेशा टॉप होते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। सिद्धेश, जो आपने पूछा सब डोमेन टेक ओवर, ये चीज भी मैं आपको कल बताऊंगी, ठीक है ना? ये जो भी आज आपके क्वेश्चंस आए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस का कल मैं आंसर दूंगी, ठीक है ना? किस किस का मैं प्रैक्टिकल दिखा सकती हूँ, या किसको मैं आपको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर सकती हूँ, वो सब चीज मैं आपको कल बताऊंगी। थ्री वे हैंडशेक भी मैं कल बताऊंगी। प्लीज, हम कल मिलते हैं दोबारा से, और कल मैं आपको सारी चीजें प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दूंगी। आज का सेशन मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कल हम फिर मिलेंगे, और कल हम कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ेंगे। आज जो आपने क्वेश्चंस पूछे हैं, मैं कल उसका आंसर दूंगी आपको, ठीक है? ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच सेशन में आने के लिए, एंड सेशन में क्वेश्चंस रेज करने के लिए। थैंक यू सो मच। कल हम मिलते हैं क्वेश्चन आंसर्स के साथ। सो थैंक यू सो मच। मैं अभी क्लास एंड कर रही हूँ, एंड आज का टॉपिक प्लीज आप लोग प्रैक्टिकल जरूर करके देखें, क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिकल नहीं किया तो आपको नहीं समझ में आएगा, और आप प्रैक्टिकल कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा।